उत्तराखंड के लिए 16 जून 2013 की वो तारीख है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। इसी दिन केदारनाथ में आई आपदा, जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। इस त्रासदी को आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के जख्म आज भी हरे हैं। देखिए कैसे एक रात के भीतर केदारपुरी की पूरी तस्वीर बदल गई थी, ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 16 जून साल 2013, स्थान केदारनाथ। उत्तराखंड के लिए ये तारीख इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गई जिसे शायद ही कोई पलटना चाहे, लेकिन ये कड़वा सच है जिसे ना चाहते हुए भी हर साल 16 जून की तारीख को लोग याद कर सिहर उठते हैं। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस त्रासदी का जिक्र होता है तो लोगों की रूह कांप उठती है। वो जख्म ताजा हो जाते हैं जो आज तक नहीं भरे। उस रात के मंजर की कुछ तस्वीरें जब आज भी आप देखेंगे तो सिहरन महसूस करेंगे। ये तस्वीर केदारपुरी की है, जब त्रासदी के बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ बाबा के द्वार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ का मंजर चंद मिनटों में पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और यहाँ रहने वाले हजारों लोगों ने अपनी जान इसमें गवाई। ये त्रासदी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस आपदा ने केदारनाथ में ऐसा तांडव मचाया था कि यहाँ मौजूद घर तिनके की तरह उजड़ने लगे थे। हजारों लोगों ने अपनों को खोया और आज भी वो इस पल को याद करते हुए डर जाते हैं। दरअसल उस त्रासदी वाली काली रात को केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी झील में गिरा, जिसके कारण इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई और सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही पूरी झील खाली हो गई। उसका खाली होना और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें पहुंच गई। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखने लगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कब क्या हुआ। 15 जून राज्य भर में बारिश शुरू हुई। 16 जून शाम को चौराबाड़ी ताल टूटने से मंदाकिनी में बाढ़ आने से केदारनाथ में मलबा भर गया। रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 17 जून सुबह एक बार फिर चौराबाड़ी ताल से पहले से ज्यादा पानी और मलबा आया। केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो गया। पूरी मंदाकिनी घाटी में तबाही हुई, हजारों यात्री मारे गए। 18 जून पहली बार केदारनाथ और घाटी में तबाही की खबरें सामने आई। 19 जून राहत और बचाव, 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। केदारनाथ आपदा में काफी बड़ा नुकसान हुआ। मंदिर से लेकर वहां आसपास रहने वाले लोगों को, व्यापारियों को काफी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। 4,027 लोगों की मौत की खबर, 1,853 पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 361 पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे मकान, 2,349 बुरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के भवन, 340 बुरी तरह से टूटे कच्चे मकान, 9,808 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 1,656 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान, 2,162 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, 86 पुल मोटर मार्ग और पैदल टूटे, 172 पुलिया ध्वस्त हुए, 3,484 पेयजल लाइन ध्वस्त हुई, 4,515 गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, 13,844.34 करोड़ की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ये वो नुकसान थे जिसकी भरपाई संभव थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई या फिर जिन्होंने अपनों को खोया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि त्रासदी में गांव के हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया था। दिल को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना की वजह से गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले इसे दुरुस्त करना एक चुनौती थी और इसके पुनर्निर्माण का कार्य साल 2014 में शुरू किया गया। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से विशेष लगाव रहा है और यहाँ का पुनर्निर्माण कार्य पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा।
केदारनाथ आपदा के 10 साल बीत जाने के बाद यहां की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। यहां पुनर्निर्माण कार्य करवाए गए हैं, यहां का जनजीवन फिर से पटरी पर लौट चुका है और यही कारण है कि साल दर साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है।